हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का टॉपिक है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर कुल विभव और ऊर्जा हानि का व्यंजक। तो ये दो आवेशित चालकों का डायग्राम है। ये ए और बी दो आवेशित चालक हैं जिन पर आवेश Q1 Q2 धारिताएं C1 C2 और विभव V1 V2 है। ये एक चालक तार है। ये जब हम आप आगे बढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा कैसे होता है। तो चलिए इसके हम लोग प्रश्न लिखते हैं। तो रचना में क्या है, ए और बी दो विलगित आवेशित दो गोली चालक है। विलगित मीन्स ये अभी यहाँ पास कन्वर्ट नहीं है, जुड़े नहीं है यहाँ पास, इसलिए हम लोग विलगित गोली चालक है। जिस पर आवेश विभव चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रभावित होगा जब तक कि दोनों चालकों का आवेश और वो विभव समान नहीं हो जाता। मीन्स अगर इसमें विभव का मान ज़्यादा है तो इसमें विभव का मान तब तक और आवेश जब तब तक प्रभावित होगा जब तक इन दोनों का विभव सेम ना हो जाए, V1 इक्वल टू V2 ना हो जाए। तो ए व बी पर दो आवेशित चालक हैं। ए और बी दो आवेशित चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 आवेश Q1 Q2 व विभव V1 V2 है। तो जोड़ने के पहले अगर ये दो आवेशित चालक आपस में भी जुड़े नहीं है तो चालक ए पर कुल आवेश Q1 इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा। मीन्स जब ये केवल एक ही रहेगा, ये मीन्स एक ना रहेगा डायग्राम यहाँ पास, केवल एक चालक रहेगा, तो इसकी जो कुल आवेश होगा Q1 इक्वल टू होगा C1 V1 और चालक बी पर कुल आवेश होगा Q2 इक्वल टू C2 V2। ठीक, जब चालक ए का विभव हो जाएगा, ये आवेश है, आप विभव यहाँ पास निकालते हैं, चालक ए का विभव V1 इक्वल टू Q1 अपॉन C1 हो जाएगा। ये V1 यहाँ जाएगा और Q1 इसके अपॉन चला जाएगा, वो Q यहाँ और C1 इसका अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह चालक बी पर विभव V2 इक्वल टू Q2 अपॉन C2 हो जाएगा। जोड़ने के बाद जब इसे हम लोग एक चालक तार से जोड़ देते हैं, ये जो है तो इस डायग्राम को इस चालक से जोड़ देते हैं, ये एक आवेशित तार है। तो जोड़ने के बाद जब दोनों चालकों को आपस में चालक तार द्वारा से जोड़ दिया जाता है और इसे जोड़ दिया गया तो कुल विभव भी हो जाता है। जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो इनका जो विभव हो जाएगा एक समान, तो इसलिए इनका दोनों का विभव हो जाएगा। तो कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2, ये रहा हमारा Q1 और ये रहा Q2, यहाँ पास Q1 प्लस Q2 ये वाला हो जाएगा। अब कुल धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2। तो कुल विभव क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो इसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो V = Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V = हो जाएगा, यहाँ पास Q1 का मान रख देंगे, Q2 का मान रख देंगे और यह हमारा आ जाएगा कुल विभव जोड़ने के बाद, यानी कि जो जोड़ देते हैं तो इसका उतना विभव आ जाता है। तो आगे देखते हैं, जोड़ने के बाद चालक ए पर आवेश Q1 है तथा B1 पर आवेश Q2 हो जाता है। जोड़ने के बाद चालक ए पर आवेश Q1 तथा बी पर Q2 हो जाता है। तो चालक के बाद जोड़ने के बाद चालक ए पर आवेश Q1 C1 भी हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद इन दोनों का विभव एकदम सेम हो जाता है। इसी तरह चालक बी पर आवेश Q2 C2 भी। तो कुल निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पास, तो Q1 अपॉन Q2 तो C1 अपॉन C2, तो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनः वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। ये आवेश हो गया, ये इसकी धारिताएं हो गई, ये तो एक दूसरे के अनुपात में। तो यहाँ पास आवेशों का पूर्ण वितरण इनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। ऊर्जा हानि निकाल लेते हैं, जो यहाँ पास पूछा गया था ऊर्जा हानि का व्यंजक। ऊर्जा हानि जोड़ने के पहले कितनी ऊर्जा की हानि होती है, तो चालक ए पर चालक ए की ऊर्जा U1 लिखेंगे,
चालक ए की ऊर्जा को भी U1 से लिखेंगे तो 1/C1 V1 स्क्वायर हो जाएगी। ये चालक ए की ऊर्जा है जोड़ने के पहले, और चालक बी की ऊर्जा U2 = 1/2 C1 V1 स्क्वायर। यहाँ पास तो गलत ये हो गया पास, तो यहाँ पास हो जाएगा 1/2 C1 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे U1 = U1 + U2। तो U1 + U2 कितना आ जाएगा, इनके दोनों का मान रख देंगे और यहाँ पास 1/2 को हम लोग कॉमन करके इसे बाहर कर लेंगे और इन दोनों को अंदर कर देंगे। तो जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, तो हमारी जो ऊर्जा हानि जोड़ने पहले इतनी आ जाती है, तो जोड़ने के बाद निकालते हैं। तो जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा U1 - हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगा 1/2 C1 V2। बी स्क्वायर इसलिए आएगा, यहाँ पास जिसे हमने देखा था तो यहाँ पास जो जोड़ने के बाद होता है तो बी को एक समान हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पास अब V1 स्क्वायर लिखेंगे, V1 स्क्वायर बस लिखेंगे और यहाँ C1 C2 आ जाएगा। तो कुल ऊर्जा आ जाएगी यहाँ पास U1 U2 = U1 + U2। तो ये इतना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इतना, और देखते हैं तो U2 = आएगा, फिर यहाँ से हम V2, ये भी है और ये भी है V2, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो V2 बाहर आ जाएगा। तो U2 = 1/2, तो यहाँ पास हम V2 को मान रखते हैं, सॉरी V का मान रख देंगे, तो V का मान हमने यहाँ निकाला था तो स्क्वायर है, तो इस पूरे में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पास भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से ये C1 + C2 कैंसिल हो जाता है। तो U2 कितना आ जाएगा, U2 कितना आ जाएगा 1/2 C1 V1 + C2 V2 2 / C1 + C2। तो ऊर्जा हानि कितनी आएगी, कुल ऊर्जा हानि कितनी आएगी, U1 - U2 तो U1 = 1/2 C1 V1 2 + C2 V2 2। ये हम U1 का मान रख देंगे और ये U2 का मान रख देंगे, जब U2 और इसके मान रख देंगे तो यहाँ से हम 1/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसे कॉमन कर लेंगे और इसे अपॉन कर लेंगे। जब इसे अपॉन कर लेते हैं तो हमारा इतना आ जाता है C1 V1 2 + C2 V2 2 × C1 + C2 - C1 V1 + C2 V2 2। ये होल स्क्वायर यहाँ पास आ जाता है, तो ये C1 + C2 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/2 C1 + C2 कोष्टक के अंदर, इसका हम गुणा करेंगे, यहाँ पास गुणा करेंगे तो यहाँ पास आएगा C1 = V1 2 + C1 C2 V2 + C2 V2 - C1 2 V2 - C1 2 C1। ये यहाँ पास हम लोग यहाँ A² + B² का सूत्र लगा देंगे, जो कटेगा तो काट देंगे, जो बचेगा तो बच जाएगा। तो फिर क्या आएगा 1/2 C1 C2 इंटू होगा अपॉन C1 + C2, ये जो है यहाँ आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा, जो कटेगा तो हम काट देंगे, जितनी हमने काट दिया इसने काट कर जाएंगे। अब आगे देखते हैं 1/2 C1 + C2 C1 + C2, यहाँ पास C1 C2 है, यहाँ पास C1 C2 है, ये V1 square V - V2 2 है, ये इतना सूत्र था इसलिए हम यहाँ पास लिख दिए, यहाँ पास इतना लिख देंगे, यह धनात्मक मान है अतः ये भी धनात्मक मान होगा, अतः जोड़ने के बाद जो चालक में ऊर्जा हानि होती है, जो ऊर्जा हानि होती है वो इतनी होती है, तो यही हमारे ऊर्जा हानि का सूत्र है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।